आज आधुनिकीकरण के इस युग में मनुष्य ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में पर्यावरण और जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे समय से वर्षा का न होना, सूखा पड़ना, ऐसी अनेक घटनाओं ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया है। वर्तमान समय में जल स्तर को बढ़ाने व पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शासन के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद कानपुर देहात में विलुप्त हो चुकी नून नदी के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस नून नदी का उद्गम स्थल कानपुर देहात के विकासखंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत रहनियापुर में है। इस नून नदी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम माननीय मंत्री बाल विकास एवं पुष्टार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला एवं माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले के कर कमलों से किया गया। इस कार्यक्रम में कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, उपायुक्त मनरेगा श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी अकबरपुर सुरभि यादव, प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात ए के द्विवेदी एवं खंड विकास अधिकारी धन प्राप्त यादव एवं अन्य समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए नून नदी के उद्गम स्थल पर 600 पौधों का वृक्षारोपण किया गया तथा ग्राम वन व अमृत वन की स्थापना की गई। इस वृक्षारोपण में फल वाटिका में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया। इसके साथ ही माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात को अर्पित हरी संकरी पौधे का वृक्षारोपण माननीय सांसद एवं माननीय मंत्री जी के कर कमलों से किया गया। यह नून नदी कानपुर देहात के 55 गांव से अविरल प्रवाहमान होती हुई 32.5 किलोमीटर की यात्रा करके कानपुर नगर में प्रवेश करती है। इस विलुप्त प्राय नदी का सर्वे का कार्य GIZ संस्था के द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरांत इस नदी को अविरल एवं प्रभावमान बनाने के लिए मनरेगा योजना व जन सहयोग से कार्य कराया जाएगा। इसके निर्माण कार्य हेतु नून नदी परिषद का भी गठन किया गया है। कानपुर देहात से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। ओम अवकाश सर्वा सांग नो विवाह यास्वरेद पुण्य।